पिछले 24 घंटों में झारखंड में कुछ कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है, साथ साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिली है। जो सबसे अधिक बारिश है वो नगर उटारी गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड की गई और वो 126 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सतगावा कोडरमा में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भानातपुर गढ़वा में 62.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कुरदेक सिमडेगा में 48.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बात करते हैं कि मानसून ट्रफ का, तो मानसून ट्रफ अभी जो है झारखंड के डाल्टनगंज से होके गुजर रही है और आने वाले 2-3 दिनों में मानसून ट्रफ का नॉर्दर्न मूवमेंट की संभावना जताई जा रही है और जिसके बाद में थोड़ी जो मानसूनी बारिश है वो झारखंड में थोड़ी उसकी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करते हैं कि पूर्वानुमान की, तो 27 में राज्य में कुछ कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको देखने को मिलेगी और 28 से 29 ये दो दिन राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 30-31 लगभग सभी स्थानों पर राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। चेतावनी की बात करें तो थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की चेतावनी अभी आने वाले 5वें दिन में है और लोगों को सतर्क रहने की, सावधान रहने की सलाह दी जाती है कि अभी गर्जन और वज्रपात से अपनी सुरक्षा करें। और 28 तारीख में राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में एकाध जगह पे भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और खासकर जो संथाल के जो इलाके हो गए जो बंगाल से सटते हैं उनमें एकाध जगह पे भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। तापमान की बात करें तो अभी तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है बट 2-3 दिनों बाद जैसे बारिश बढ़ोतरी होगी तो अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट की संभावना जताई जा रही है। और अभी तक के मानसून के हाल के बारे में बात करें तो अभी तक जो वास्तविक वर्षापात है वो 234.4 मिलीमीटर हुआ है जबकि इस अवधि का सामान्य वर्षापात नॉर्मल जो है वो 467.4 मिलीमीटर हुआ है और जो डिपार्चर है वो -50% अभी चल रहा है। तो कुल मिला के है कि आने वाले दिनों में झारखंड में बारिश, अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है और कल में 28 तारीख में एक आध जगह पे जो संथाल के इलाके हैं भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। धन्यवाद।